सीकर जिले भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। उलेमाओं ने जहां लोगों से ईद की नमाज में सरकारी गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की गई, वहीं सीकर जामा मस्जिद के इमाम हाजिद मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि ईद की सामूहिक नमाज जामा मस्जिद में अदा की गई है। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र पारिक ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि ईद भाईचारे का त्यौहार है और हम सबको मिलकर मनाना चाहिए। आज का दिन पूरी दुनिया में एक विशेष मुकाम रखता है। इस दिन पूरी दुनिया में जहाँ नफरत है वही पैगाम दिया जाता है कि समाज में भाईचारा हो। दुनिया में इसी भाईचारे का ये त्यौहार जो है एक अजीब शान के साथ पूरे मुल्क में मनाया जाता है और ख़ासतौर से जाम खड़े हैं सीकर, ये इसकी बेमिसाल है। यहाँ सभी समाजों के लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, भाईचारे से इस मुल्क को मनाते हैं और यही सीकर की और ख़ासतौर से इस मुल्क की ये खूबसूरती है कि गंगा जमुनी तहजीब के साथ ये सदियों से जो है चला रहा है। मैं इस दिन सभी को अपनी ओर से खास खास दिल में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुल्क हमारा आबाद रहे, खुशहाल रहे और इसी तरह से तरक्की करता रहे और समाज में जो है भाईचारगी का पैगाम देता रहे।